क्वेश्चंस आपके जो हैं ये सारे, पहली बात तो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इंटरव्यू क्वेश्चंस में मतलब कि ये बेसिकली एक्सपीरियंस के लिए पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को फ्रेशर्स में, ठीक है, बेसिकली जब आप ऑफ कैंपस जाएंगे, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि इस तरह क्वेश्चन एक दो बार कभी ऐसा हुआ है कि फ्रेशर्स से भी पूछ लिया गया है। तो बेसिस आपका जो रहेगा, बेसिस जो मतलब कॉलेज में आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेसिस पे भी आप इसके आंसर कर सकते हैं। जब आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो शायद आंसर फॉर्म करने में आसानी हो, लेकिन किस तरह फॉर्म होते हैं आंसर वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइम दैट यू फेल्ट यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी एट वर्क। इसका मतलब ये होता है, अबव एंड बियॉन्ड जाने का मतलब ये होता है कि जब आपने मतलब हो सकता है कि कुछ चीजें आपको करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं था कि आप वो सब काम करें, लेकिन आपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से बढ़कर, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी कंपनी के लिए जो काम रेगुलरली आप करते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको आपका काम है कि जो भी डाटा दिया जा रहा है उसको कलेक्ट करके एक एक्सेल फाइल में लगाना है, ठीक है, बहुत छोटा सा काम है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उस एक्सेल फाइल में, उस एक्सेल शीट में जहाँ पर आप डाटा डाल रहे हैं, वहाँ पर कुछ चीजें हैं जो और ऑर्गेनाइज वे में रखी जा सकती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज वे में मतलब थोड़ा सा अगर हम उसमें कुछ प्रोग्रामिंग कर दें तो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा हमारा डाटा। ये आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, आपको सिर्फ एक लिस्ट दी गई है, उसको आपको अपलोड करना है एक्सेल फाइल में। लेकिन अगर आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से थोड़ा हटकर थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं अपने काम आसान करने के लिए, चाहे अपना काम आसान करने के लिए, चाहे अपने कंपनी के प्रॉफिट के लिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज भी हो सकता है कि आप बहुत एक्सपर्ट हो अगर उस प्रोग्रामिंग में, तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, आपने बस एक प्रोग्रामिंग है उसमें लिखा और थोड़ा सा डाटा जो है वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। तो उस केस में तब जाकर ये केस होता है जब आप अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं अपना कोई काम करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको मार्केटिंग करना है किसी भी ऐप का, ठीक है, तो आपको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया आपको दे दिया गया है कि इस एरिया में तुम जिस तरह मार्केटिंग करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो बेसिकली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ठीक है, एक एड पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, ठीक है, पोस्टर्स लगवा दिए, आपने जो यहाँ पर ट्रेडिशनल वेज होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल वेज नॉट द ओल्ड वन, ट्रेडिशनल वेज मतलब जो रेगुलरली हम देखते हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सोशल मीडिया पे लगा दिए, पोस्टर्स लगवा दिए उन्होंने उस एरिया में, और जितने भी लोगों को वो जानते थे उन्हें एक फ्लायर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है बहुत बड़ा एक होर्डिंग बनवा दिया उन्होंने जहाँ से इंटरसेक्शन है एक, बहुत सारे लोग वहां से गुजरते हैं तो उन्होंने एक होर्डिंग वहां पर बनवा दिया। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो चीजें सबके दिमाग में आती हैं वो सारी चीजें उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया कि आप उस तरह से मार्केटिंग करेंगे अपने ऐप के लिए। लेकिन आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स, या फिर इन सारी चीजों के करने के बावजूद आपने क्या किया, आपने कुछ जो अपने फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें भी अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में मिला लिया, कहा कि उन्हें पर्सनली सारा डाटा दे दिया कि ये जो ऐप है ये सारे इसके डिस्क्रिप्शन है, इस तरह ये परफॉर्म किया जाता है, ये सारा मतलब माउथ टू माउथ यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जो कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में आने के बाद होता है, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई एप्लीकेशन होता है तो एप्लीकेशन का बीटा वर्जन निकलता है, बीटा वर्जन निकालने का फायदा क्या होता है कि माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी कि जो आपके बीटा यूजर्स हैं वो बाकी यूजर्स को बताएंगे कि हमने ये ऐप यूज किया है, इस तरह चलता है और इतना एडवांटेज है इसका, जो भी डिसएडवांटेज है उसके लिए हमने फीडबैक दे दिया है, हो सकता है वो ठीक करके दे दें। तो जब आपका एक्चुअल वर्जन निकलेगा उस टाइम आपके नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं, ठीक है, वो बीटा यूजर्स से ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, तो आपका नंबर ऑफ यूजर्स इंस्टेंटली बढ़ जाता है। तो
तो ये इस सब का मतलब होता है कि जहां पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो बोल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा करके आपने अपने प्रॉफिट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन या फिर दोनों के प्रॉफिट के लिए कुछ काम किया हो। तो इस का एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज लाइफ में कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं। तो अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वाइल यू आर इन द कॉलेज, तो आप कॉलेज के दौरान कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं कॉलेज के किसी भी काम के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आपका काम क्या है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, दैट यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, दैट यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, यू हैव टू टेक ऑल द इंटरनल एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू स्टडी फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये सारे आपकी ड्यूटीज हैं। इसके अलावा आपने कभी कुछ ऐसा किया है जो कॉलेज के लिए जो आपसे कहा नहीं गया होगा, या फिर आपको लगा कि ऐसा करने से थोड़ा बेहतर होगा हमारा सिचुएशन, या फिर टीचर्स के लिए हेल्पफुल होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा कुछ आपने अपने लाइफ में अगर कुछ किया है, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। अगर नहीं किया है तो कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है। इज देयर एनीवन हु कैन गिव एन एग्जांपल फ्रॉम देयर लाइफ अबाउट दिस क्वेश्चन? यहाँ पे कोई भी क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है जिसने कभी भी कुछ ऐसा किया है जो उसे बोला नहीं गया है लेकिन फिर भी उसे लगा कि ऐसा करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? ओके, नहीं है। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें जब आप आंसर करेंगे तो इसमें आप कुछ ऑर्गेनाइजेशनल काम अगर आपने किया है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया है प्रोजेक्ट वर्क में, तो प्रोजेक्ट वर्क आपका सिर्फ इतना ही कहता है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन देना है और उसकी एक रिपोर्ट फाइल बनानी है, इतना आपका प्रेजेंटेशन में रहता है। लेकिन आपने इस ऐप को मार्केट में भी लॉन्च किया, ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर जो अचीवमेंट्स हैं आपके, भले ही आपके फील्ड से रिलेटेड हो या किसी टैलेंट से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आंसर अगर नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आंसर कर पाना, ठीक है, ये आंसर कर पाना उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिन्होंने ऑल्सो स्टूडेंट हु हैव डन द इंटर्नशिप, अगर किसी ने इंटर्नशिप की है या कर रहे हैं तो वो भी इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने इंटर्नशिप की है या वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर आफ्टर द इंटर्नशिप वो प्रिपेयर रहे कि जब वो जॉब अप्लाई करेंगे किसी भी जगह पर, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। ओके, अच्छी अच्छी कंपनीज बिल्कुल ये सवाल आपसे पूछेंगे बिकॉज दे वांट द बेस्ट, ठीक है, दे वांट द बेस्ट एम्प्लॉयज टू बी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप क्वेश्चन नंबर वन में किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है कि कैसे ये क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा बोलना है जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था, जैसे अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो उनका भी एक जॉब प्रोफाइल होता है कि आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी एंड दीज विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। भले ही जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी मेंशन ना हो जॉब एड में, लेकिन वहां जाने के बाद भी आपको एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी कि यही काम आपका पर डे आपको करना है, ठीक है। ये चीज सीखिए कि इसको कैसे करते हैं, फिर उसके बाद खुद से करिएगा, फिर यही सारा प्रोसीजर जो है आपके इंटर्नशिप के दौरान चलता रहता है, अंडरस्टूड। लेकिन कहीं पर अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है दैट इज इवन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे स्लाइटली भी अगर थोड़ा सा डिफरेंट किया है, तो इस क्वेश्चन में आप उस चीज का आंसर कर सकते हैं। डजन मैटर कि वो बहुत माइन्यूट, तो मतलब बहुत छोटी सी चीज है, माइन्यूट चीज है, उससे कुछ रिलेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में आप हर एक चीज को वो आंसर कर सकता है जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन या जो बेसिक्स आपके हैं जो आपको करने थे काम, उससे अलग हटके कुछ भी किया हो, अंडरस्टूड।
अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? एनी वन हु कैन हु इज हैविंग एनी डाउट कि इसको किस तरह से आंसर किया जाए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और कब आंसर करना है, ये मुझे बता दीजिए अगर किसी को डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस किया रंजन। मैम, इफ वी डिडंट सेट दिस काइंड ऑफ ओकेजन देन वी कैन से दैट मैम आई फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय डे आई डिडंट लर्न अबाउट इट व्हेन आई डिड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट यू कैन डू इज, मान लीजिए कि आपने इंटर्नशिप की है, जैसे एज अ फ्रेशर आपने कुछ ऐसा किया नहीं है, या फिर इवन इफ यू हैव डन इंटर्नशिप लेकिन अभी आपको ऐसा मौका मिला नहीं कि कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा आप अपने जॉब के लिए कर पाए, तो आप क्या बोल सकते हैं? यू कैन से दैट टिल नाउ आई हैवंट हैव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और such knowledge that I can apply far beyond the call of duty, but I would like to do in future because it will be profitable for me as well as the organization. इस चीज को आप अपने आंसर में कर सकते हैं। अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है या फिर किसी को ऐसा मौका नहीं मिला है, just mention this thing in your answer that I haven't found any opportunity where I can go above and beyond to the call, from the call of duty at work or at internship or at my college life, but I would like an opportunity in future, in not for the future, that I can apply my knowledge, all those things, all those knowledge that I will be gaining from the working itself, okay, and would like to apply those knowledge for any call, any job that is above and beyond the call of duty because it is profitable for me as well as the organization. वो आपके लिए भी profitable है, आप भी कुछ नया सीखेंगे और organization के लिए भी profitable है। ये चीज mention कर दीजिएगा if you haven't done anything or if you didn't get an opportunity to do anything. ठीक है? Any other doubt? Okay, now moving on to the next question. Can you describe a time when you, when your work was criticized? इसका मतलब कि आपका कोई भी काम, कभी भी आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई टाइम आया था जब आपके किसी भी काम को क्रिटिसाइज किया गया हो। क्रिटिसाइज यानी कि उसका उसको बुरा बोला गया हो या उसके बारे में कुछ उसको पसंद नहीं किया गया हो बहुत लोगों के द्वारा। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? कभी कभार ऐसा देखने मिलता है कि जो एक्सटर्नल्स आते हैं, एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों को वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इवन इफ देयर प्रेजेंटेशन वाज नॉट परफेक्ट, ठीक है? लेकिन देखिए कुछ केसेस में क्या होता है ना कि कुछ लोग बहुत ये सोच समझ के बोलते हैं कि हाँ स्टूडेंट है, उसको अगर हम इनकरेज करेंगे तो फर्दर फ्यूचर में हो सकता है कि वो अच्छा करे, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अगर इसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया तो ये आगे जाके भी यही गलती कर देगा। तो बोथ इन बोथ द केसेस द टीचर इज नॉट रॉन्ग, ठीक है? लेकिन क्या इफेक्ट आप पे पड़ रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्रिटिसाइज यानी कि आप किसी भी रीजन से, दोनों में से किसी भी रीजन से, भले वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो या आपके काम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी भी रीजन से, मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है जिसको बहुत बुरा भला बोला गया कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या सोच के किया था ये वो, अगर ऐसा सुनने मिला, ठीक है? या फिर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आपने कोई काम किया, ठीक है? आपको जब फाइनल इंटर्नशिप से पहले एक काम दिया जाता है जिसको पूरा करने के बाद एक तरह से एग्जाम की तरह, ठीक है? तो वहां पर रिटन एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है? वहां पर आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कम्प्लीट करके उन्हें देना होता है। तो मान लीजिए वहां पर जो फाइनल आपका प्रोजेक्ट होगा उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया होगा, तो उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल किया, ठीक है? उस टाइम को आपने कैसे हैंडल किया, उस टाइम आपको किस तरह फील हुआ, ठीक है? वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेंशन करनी है, ठीक है? मान लीजिए कि आपके इफ वी गो बोथ द केसेस, पहला केस ये जब आपको क्रिटिसाइज किया गया, मान लीजिए कि आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है या फिर माइनर प्रोजेक्ट ही है, चलो माइनर प्रोजेक्ट ले लीजिए, कि माइनर प्रोजेक्ट में किसी टीचर ने कहा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, कोई भी डाटा आपका सही नहीं है, गलत कर दिए हो, ये वो करके बहुत ज्यादा टीचर ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है? तो उस सिचुएशन में आप जो भी फील कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, या जो भी जिस भी रीजन से आपकी वहां पर गलती हुई थी, अगर गलती है तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई डिड दिस रॉन्ग एंड आई माय वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड. अगर गलती नहीं थी बट स्टिल द रिजल्ट वाज नॉट फुल प्रूफ, सो आई वाज क्रिटिसाइज्ड एंड माय वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड एंड दिस हैपेंड. ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका वहां पर इंटर्नशिप के दौरान जो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, इंटर्नशिप के दौरान अगर आपके किसी काम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो यू वुड बी सेइंग दैट आई टुक इट वेरी प्रोफेशनली एंड डिडंट शो एनी अग्रेशन और एनी इमोशन इन फ्रंट ऑफ दी माय सीनियर एंड ओनली सेड दैट व्हाटएवर इज रॉन्ग देयर लेट मी नो एंड आई विल चेंज ऑल दोस थिंग एंड मेक माय प्रोजेक्ट और मेक माय वर्क अकॉर्डिंग टू सैटिस्फाइबल अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, एक्चुअल वर्क, एक्चुअल पेइंग वर्क आप कर चुके हैं, उसके बाद ये चीज आंसर कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको यही आंसर जो है थोड़ा सा इमोशनल होके भी बोलना है. ठीक है, लाइक क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आंसर आपने रट के आया है. ठीक है, एक्चुअली में आपने वहां पर जो फील किया वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरह का लगना चाहिए. तो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपका कब आएगा? एक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपका आएगा जब आप वहां पर बता रहे हैं कि आप किस तरह वहां पर फील कर रहे थे. तो पहले तो सिचुएशन बताएंगे कि इस सिचुएशन में मेरे काम को क्रिटिसाइज किया गया, वो पूरा सिचुएशन बताएंगे. कुछ भी आपको काम दिया गया है, उस काम को जब मैंने पूरा करके लेके गया तो मेरा सीनियर उसे बहुत क्रिटिसाइज किया, ये पूरा आपको बताना है पहले सिचुएशन. नेक्स्ट थिंग, जो भी आप उस टाइम फील कर रहे थे, आई वॉज वेरी एंग्री और आई वॉज वेरी सैड दैट आई हैव पुट सो मच एफर्ट एंड माई वर्क वॉज वेरी मच क्रिटिसाइज. ठीक है, ये पूरा जो भी आप फील कर रहे थे वो एक दो लाइन में बताएंगे. लास्टली, आई हैंडल्ड इट विद प्रोफेशनल स्किल्स एंड आई डिडंट रिएक्ट इट और आई डिडंट रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट आई ओनली टोल्ड माय सीनियर दैट इफ यू थिंक दैट इट इज नॉट अप टू द मार्क जस्ट लेट मी नो व्हाट चेंजेस आई नीड टू डू. ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन का मतलब होता है? इस क्वेश्चन में दो चीजें मानी जाती हैं. इस क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, ठीक है, यानी कि आप कितने अच्छे से काम कर सकते हैं और कैसे आप क्रिटिसिज्म, बुराई को आप किस तरह, अगर आपको कोई कहे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप अपने इमोशन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. इमोशनल क्वेश्चन, ये मैंने क्लास में आपको पहले भी बताया था, इमोशनल क्वेश्चन इज अ वेरी बिग इशू राइट नाउ. ठीक है, आज के वर्ल्ड के लिए इमोशनल क्वेश्चन एक एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं देन यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉय फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड? तो इमोशनली आपको जितने भी आपके इमोशंस हैं उसे कंट्रोल करके प्रोफेशनल काम में अपना दिमाग लगाना है. ठीक है, एनवायरमेंट खराब नहीं होना चाहिए आपकी वजह से चाहे किसी और की वजह से. दैट इज हाउ यू कंट्रोल योर इमोशन. इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके काम को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया तो उस टाइम भी आप ये बोल सकते हैं कि नो, माय वर्क हैज नेवर बीन सो मच क्रिटिसाइज बट देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस वेयर माय वर्क वाज नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, जहां एकदम बेस्ट भी नहीं हुआ है, ठीक ठाक काम किया है, उसमें भी आप इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो. Like it was not exactly criticized, but it was not the perfect project also. ठीक है, and I pledged or I promised that I will do much better. ठीक है, इस तरह से आप question को end कर सकते हो अगर आपके काम को किसी ने criticize नहीं किया हो तो. Any questions regarding this? इस question से regarding किसी को कोई problem? क्वेश्चन नंबर टू से. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री. हैव यू एवर बीन ऑन अ टीम वेयर समवन वाज नॉट पुलिंग देयर ओन वेट एंड हाउ हैव यू हैंडल्ड इट? इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका एक टीममेट है, ठीक
ठीक है, आप फाइनल ईयर का जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो चार टीम के मेंबर है आपके, चारों को मिलके बनाना है, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द वर्क, ठीक है, मान लीजिए ग्रुप में एक ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर, उसको कुछ भी करने का मन नहीं है, या वो कुछ भी इतना परफेक्ट नहीं कर, मेहनत नहीं करना चाहता है, और वो कहता है कि जितना भी पैसा लगेगा बता देना, हम तुमको दे देंगे, ठीक है? और उसने अभी तक दिया भी नहीं है, वो बाद में दे देगा करके बोलकर चला जाता है, ठीक है? उस सिचुएशन पुलिंग देयर ओन वेट का मतलब कि खुद से वो एफर्ट आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसका भी प्रोजेक्ट है, तो वो खुद से कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, आपके जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें वो खुद से कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, आपको बार बार उसे जबरदस्ती कुछ काम कराना पड़ रहा है, और अगर मान लीजिए उसके बावजूद वो काम नहीं कर रहा है तो फिर वो और ज्यादा आप पे बर्डन बन रहा है, ठीक है? तो दैट इज वाई वो बर्डन बनते जा रहा है, दैट इज वाई दे आर नॉट पुलिंग देयर ओन वेट, मतलब वो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, उनकी भी जिम्मेदारी का काम आपको या आपके बाकी के टीम मेंबर्स को करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने कैसे हैंडल किया? क्या ये सिचुएशन किसी के साथ रियल लाइफ में अभी तक हुई है? एनीवन, एनी स्टूडेंट हु इज प्रेजेंट हियर, आपके ग्रुप वाइज कोई भी एक्टिविटी, छोटे से छोटा एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि एकदम मेजर प्रोजेक्ट वाला ही एक्टिविटी हो, छोटे से छोटा एक्टिविटी में कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपका जो टीम मेंबर है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर उतना मेहनत नहीं लगा रहा है जितना आप लोग बाकी टीम मेंबर लगा रहे हैं, ठीक है? और उस सिचुएशन में आपने क्या किया? Anyone who would like to share their experience on this situation? कोई भी नहीं, किसी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? सोच के एक बार देखिए, किसी ना किसी सिचुएशन में तो अभी नहीं हो सकता है, बचपन में 10th 11th 12th में कभी ऐसा हुआ हो किसी फंक्शन के दौरान, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी ऑर्गेनाइज किया गया हो कॉलेज या स्कूल की तरफ से, और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना था, ठीक है, और उसमें आपके टीम मेंबर जो है वो कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे थे, या फिर आपका जो 10th 12th का प्रोजेक्ट था उसमें किसी ने कोई हेल्प नहीं किया, एग्जीबिशन हुआ करते थे तो एग्जीबिशन में अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें किसी आपके टीम मेट ने कभी कोई हेल्प नहीं किया आपकी, तो जस्ट रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस एंड यू कैन शेयर इट। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। Anyone who can share their experience on this type of situation? कभी ना कभी, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिचुएशन कभी ना कभी आपके लाइफ में जरूर हुआ होगा, ठीक है, भले अभी कॉलेज में नहीं हुआ हो, भले 10th 12th में नहीं हुआ हो, लेकिन कभी ना कभी आपके सिचुएशन में ऐसा, मतलब इस टाइप का सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ होगा जब आपको किसी ऐसे टीम मेंबर के साथ टीम में बैठा दिया गया हो, जब वो काम नहीं कर रहा हो, सारा काम आपको अकेले करना पड़े, या आपके किसी और मेंबर्स जो हैं, ठीक है, उनको मिलकर करना पड़े उसका काम। किसी को शेयर नहीं करना है ये सब, सोच के देखो, किसी ना किसी को तो होगा वैसा सिचुएशन। यस रंजन ma'am, there is an occasion in my school project when I have to do all the work and others were just looking at me. So how did you felt or how did you handle that situation? Like, did they get the marks for doing nothing? Ma'am, I did almost all the work. They are just their name in the board. Achha, they only have their name in the board and you were the pulling all the work. Yes, ma'am. Okay. See, agar is situation ka remedy kisi ne agar nahi kiya ho, theek hai, kyunki situation aisi to bahut logo ke life mein aayi hogi, mujhe bhi pata. Har kisi ke life mein kabhi na kabhi aisa hota hai jab aapke char
फ्रेंड्स में या चार किसी ग्रुप के चार मेंबर हैं जिसमें से कम एक ऐसा रहेगा जो कभी भी कोई काम करना नहीं चाहता है या कर रहा है तो बार बार गड़बड़ कर रहा है, तो कह रहा है कि जाओ हम नहीं करेंगे, ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन हो जाता है, उसका लड़ाई हो जाती है आपके ग्रुप में। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मोस्टली मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू एनीथिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को लेकर कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छोड़ो थोड़ा सा तो काम है, हम लोग थोड़ा सा एक्सीड कर लेते हैं अपना अपना काम आपस में। जैसे चार ग्रुप, चार मेंबर का अगर ग्रुप है तो उसमें से अगर एक काम नहीं कर रहा है तो बाकी तीन मिला के अगर करेंगे तो वो काम पूरा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज कि बीइंग अ टीम मेंबर और बीइंग अ टीम लीडर इज नॉट अ मच डिफरेंट इन दी वर्किंग और एनवायरमेंट, ठीक है। जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट में इस तरह आप करते हैं तो दैट इज ऑल राइट, ठीक है, वहां पर उतना मैटर नहीं करता है, बहुत ज्यादा तो वो मार्क्स ले लेगा। बट काम करते टाइम या व्हेन यू आर ऑफिशियली और प्रोफेशनली वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी का वेट पुल नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो इसलिए क्योंकि आपका खुद का इतना काम रहेगा दैट यू वोंट हैव एनी टाइम टू हेल्प समवन एल्स और टेक समवन एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते थे तो प्रोजेक्ट बनाने में क्या होता था कि एक बंदा मान लीजिए डाटा कलेक्ट कर रहा है, एक बंदा फाइल लिख रहा है, एक बंदा बोर्ड पे जो आपका कंस्ट्रक्शन करना है वो कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें बांट दी जाती थी। किसी एक का काम, जैसे जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसे अपना काम बहुत आसान लग रहा है तो वो किसी और को दे दिया, बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे। या हो सकता है कि जो ड्राइंग कर रहा है या जो फाइल बना रहा है उसने प्रिंट करा के ले आया, बस ज्यादा मेहनत उसने डाली नहीं। बट वेन यू आर एक्चुअली वर्किंग इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, वहां पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, जितने भी लोग वहां प्रेजेंट रहेंगे उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही जरूरी रहेगी जितनी आपकी रहेगी। तो अगर उस सिचुएशन में आपने किसी और का वेट पुल करने की कोशिश की, यानी कि अगर किसी और का काम करने की कोशिश की, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका खुद का जो डेडलाइन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, बिकॉज यू आर थिंकिंग, बिकॉज यू आर एक्चुअली डूइंग टू पीपल्स जॉब, ठीक है। तो उस सिचुएशन में व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग या फिर आप अगर इंटर्नशिप भी कर रहे हैं तो ट्राई नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, इस तरह के जो चीज होते हैं वो ना करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो जो भी पर्सन है वो टीम मेंबर आपका जो है वो नहीं रिस्क रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो एक टीम लीडर भी होगा, ठीक है, तो टीम में जो भी काम हो रहा है वो बाहर किसी क्लाइंट को दिखाने से पहले या फिर किसी सीनियर को दिखाने से पहले आपका टीम लीडर चेक करता है, ठीक है। तो आप अपने टीम लीडर से खुल के कह सकते हैं कि सर हम लोगों ने अपना काम कर लिया है, ये काम जिसको मिला था उसने नहीं किया, ठीक है, ओपनली यू कैन से इट इन द टीम मीटिंग। अगर मान लीजिए कि वो पर्सन जो है बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत सालों से काम कर रहा है और बहुत सालों से इसी तरह काम कर रहा है कि दूसरे लोगों को अपना काम देते आ रहा है और वो करते आ रहे हैं, अगर आप नहीं स्टैंड ले रहे हैं, दैट मीन कि आप जो है वहां पर खुद को तो परेशान कर ही रहे हैं, साथ ही वो जो पर्सन है वो फ्री में बैठ के सैलरी ले रहा है, विच इज वेरी अनएथिकल, ठीक है, और यहाँ पर आपकी भी उतनी ही गलती होगी जितनी उसकी गलती होगी। अगर आपने उसका काम कर दिया और आपने उसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया तो आपकी भी उतनी ही गलती होगी जितना उस पर्सन की होगी। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट हैंडल करना यही होता है कि या तो आप अपने टीम लीडर से बात करेंगे कि सर इस तरह का सिचुएशन हो रहा है, मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, ठीक है, या फिर जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट है मान लीजिए अगर बहुत छोटा काम है तो उसे कह दीजिए या उसे समझा दीजिए कि चलो तुम्हारे साथ बैठ के मैं कर लेता हूँ, तुम भी देख लो, नेक्स्ट टाइम कर लेना, अभी नहीं कर सकते हो तो। अगर मान लीजिए वो इस टाइप का बहाना बना रहा है कि अरे मुझे नहीं आता है कैसे करते हैं ये वो, तुम ही करके दे दो ना, जबरदस्ती उसे बंदे को बैठाइए, उस पर्सन को बैठाइए कि मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम सीखो इसे कैसे करते हैं, नेक्स्ट टाइम तुम खुद करोगे, अंडरस्टूड। तो
इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इस तरह आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. अंडरस्टूड? अब मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे, तो आपको करना क्या है, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है तो ये मेंशन मत करना कि कभी आपने कुछ मत नहीं किया उस चीज के लिए, ठीक है? ये मेंशन मत करिएगा, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट दैट यू विल बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन एल्स, और ये आप किसी को बताएंगे नहीं, और आप एक तरह से गधों की तरह काम करेंगे वहां पर. तो वहां पर हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? एम्प्लॉयज आर टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क. तो स्मार्ट वर्क के लिए क्या करोगे आप ये बताओगे दैट आई डिड ऑल द वर्क, ठीक है? आई ट्राई टू कन्विंस देम, दे वर नॉट कन्विंस, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की पर वो कन्विंस नहीं हुए, तो मैंने अपने जो टीचर थे, कंसल्टिंग टीचर थे, उन्हें कह दिया था, ठीक है, कि सर ये जो है तो प्रोजेक्ट मैंने अकेले मिलके बनाया है, वो लोग ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, ठीक है? तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, व्हाट डिडंट हैपन, दैट इज नॉट योर कंसर्न. आपने एक्शन ले लिया, दैट इज मच मोर ऑफ देयर कंसर्न, ठीक है? ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यू कैन आस्क मी. क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई भी डाउट है? Okay, let's move on to question number 4. Tell me about a time when you had to give some difficult feedback. How did you handle it? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, वो कभी भी आप लोग जो हैं एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, ठीक है, और हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपका जो फ्रेंड है उसने एक ड्राइंग बनाई और वो बहुत गंदी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गंदी है. आपको पता है कि वो ड्राइंग जो है वो उस मतलब वो ड्राइंग का फ्यूचर उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि वो प्रैक्टिस करे तो बेटर हो जाए, लेकिन वो उस तरह से बेटर नहीं हो सकता है जिस तरह से वो खुद को सोच रहा है कि अगर वो बहुत अच्छी ड्राइंग है. तो एक तरह से आपको हेल्प करनी चाहिए वहां उस पर्सन की, अपने फ्रेंड की, ये बताकर कि तुम्हारी ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं है, तुम और भी काम उस पर कर सकते हो, ठीक है? इसे किस तरह हैंडल करे किया जाए, ठीक है? फीडबैक यानी कि जो भी काम किया जा रहा है या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, फीडबैक का मतलब ये होता है कि किस तरह का काम किया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, काम टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम अच्छी तरह से किया जा रहा है या नहीं किया रहा है, कुछ कुछ अगर उसके फीचर्स जो है वो कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें से कुछ छोड़ दिया गया, ठीक है? जैसे अगर किसी को रिपोर्ट बनाने बोली गई, फिर रिपोर्ट उसने सिर्फ एक पेज की छोटी सी, एक नहीं आधे पेज की रिपोर्ट दे दी, बस एक समरी छोटी सी लिख दी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एक दो लाइन में करके उसने खत्म कर दिया, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वर्क, राइट? वो प्रॉपर वर्क नहीं है, तो उसके लिए आपको फीडबैक देना जरूरी है, ठीक है? अगर वो आपसे पूछेगा कि देखो ये रिपोर्ट जो मैंने लिखी है वो सही है या नहीं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर बताना होगा दैट यू हैव टू गिव ऑनेस्ट फीडबैक टू पीपल. लेकिन ऑनेस्ट फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को क्रिटिसाइज करें, ठीक है? ऑनेस्ट फीडबैक या बेस्ट फीडबैक कैसे लेते हैं, देखो जब यहाँ पर जैसे कुछ चार पांच स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया था अपना पैराग्राफ, तो बेस्ट फीडबैक कैसे देते हैं, जो अच्छी चीजें होती है, ठीक है? अगर उनका जो स्टोरी है या जो उनका पैराग्राफ का मटेरियल है वो वर्बली अच्छा था, ठीक है, जो भी वर्बल लिखा गया था या बोला गया है वर्बली अच्छा है, अगर उनके एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी बताएंगे कि आपका एक्सप्रेशन अच्छा था, ठीक है? प्रॉब्लम किस में आ रही है, टोन में, वेरिएशन में, ठीक है, फ्लो में, तो ये चीज सबसे लास्ट में बताएंगे. पहले आप ये बताएंगे, मान लीजिए आपके जो फ्रेंड की ड्राइंग है, ठीक है, आप उसे ये बताएंगे कि तुमने एटलीस्ट ट्राई किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा और काम करते तो अच्छा रहता, ठीक है? लाइन्स जो होंगी, टेक्निकलिटीज बताइए लोगों को, जब आप टेक्निकलिटीज बताते हैं ना तो उन्हें बुरा नहीं लगता है, ठीक है? अगर आप साफ साफ कहेंगे कि नहीं ये ड्राइंग बहुत बेकार है, तुम दोबारा मत करना ड्राइंग कभी,
ये लोगों को बुरा लगता है, तो इसके बजाय क्या बताएंगे, आप उन्हें टेक्निकलिटीज बताएंगे। जब भी फीडबैक दे रहे हैं किसी को भी, अगर मान लीजिए कल को आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं या मैनेजर बनते हैं या किसी भी सीनियर पोस्ट पे जाते हैं, फीडबैक देना आपका काम होगा, कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी फीडबैक देना ही पड़ेगा, ठीक है। उस पोजिशन पे रह के फीडबैक कैसे दिया जाए ये आपको पता होना चाहिए। फीडबैक देने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले जो अच्छी चीज है वो बताई जाए, ठीक है। भले ही एक ही चीज अच्छी है, भले ही आधी चीज अच्छी है, भले एकदम फ्रैक्शन पूरा बस उतना ही अच्छा है, फ्रैक्शन ही अच्छा है, फिर भी वो चीज सबसे पहले बतानी है, ठीक है। तो उसने ड्राइंग करने की कोशिश की, ये अच्छी बात है। दूसरा, जब आप क्रिटिसाइज करेंगे तो टेक्निकली यानी कि अच्छी तरह उसे बताएंगे कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन में या प्रेजेंटेशन में फ्लो नहीं आ रहा है, इमोशंस नहीं आ रहे हैं, तो वो मैं स्पेसिफिकली बताती हूँ कि आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट अगर है तो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, सैडनेस है तो सैडनेस दिखना चाहिए, टोन का थोड़ा सा वेरिएशन होने से ऑडियंस अच्छे से सुनेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरह बतानी है। मान लीजिए आपकी जो ड्रॉइंग है उसमें बहुत घिचर मिचर हो रखा है, तो कैसे समझाओगे उसको, उसको बोलोगे कि लाइंस जो है वो साफ साफ बनाने का कोशिश करो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जैसे कभी कभार होता है कि हाथ से ड्राइंग करने से यहाँ पर जो है इससे मिट जाता है, वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है लाइन आपका, तो उससे बचने के लिए आप एक पेपर रखिए हाथ पर, ताकि आपका जो ड्राइंग है या आपने जो जो भी ड्रॉ किया है वो स्मच ना हो, ठीक है। थर्ड थिंग, लास्ट में फिनिशिंग टच देने के लिए आप जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं आपके, या जो एक्स्ट्रा आपने स्केच किया है, या जो एक्स्ट्रा आपने शेड किया है, उसे ड्राइंग से अलग रखने के लिए या थोड़ा सा फिनिशिंग टच देने के लिए इरेजर से साइड साइड से आप इरेज कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आप टेक्निकली उसे दीजिए फीडबैक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के केसेस में बहुत ज्यादा होता है कि एडवर्टीजमेंट के केसेस में एक पोस्टर बना रहा है कोई, ठीक है, तो उस पोस्टर में उसने बहुत सारे इमोजीज डाल दिए, ठीक है, बहुत सारे, मतलब कम से कम 50 इमोजी उसने डाल दिए। तो भले ही कितना भी बड़ा पोस्टर आप कर लो, अगर 50 इमोजी रहेगा तो आपका प्रोडक्ट कहाँ दिखेगा और प्रोडक्ट का टैगलाइन कहाँ डालोगे, राइट। तो दिखना क्या चाहिए वहां पर, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा विजिबल होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो टैगलाइन है वो दिखना ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट टैगलाइन, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूज हो रहा है वो पता चलना चाहिए। इस तरह का बेस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो टेक्निकली किसी को समझाइए, यार बहुत सारा इमोजी हो गया, इतना तो देखकर सब कंफ्यूज हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट है उसका पिक्चर बड़ा कर दे ताकि सबको साफ साफ दिखे, ठीक है। जो कंपनी का नाम है उसको टॉप पर कर दे और अच्छे फॉन्ट में लिख दे ताकि देखने में अच्छा लगे, लोगों के साथ लगा दे, ठीक है। जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के नाम के आगे जो टैगलाइन है उसे लिख दो ताकि पता चल जाए किसके लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। एक पर्सन को यूज करते हुए दिखा दो उसे किस तरह यूज किया जाता है, जैसे आपका जो क्रीम्स आते हैं, ठीक है, क्रीम्स में मोस्टली फीमेल आपके मॉडल्स के पिक्चर रहते हैं, उन्हें यूज करते हुए दिखा देंगे, ठीक है। तो उस तरह का आपका और फीडबैक हमेशा इसी तरह दोगे, आप किसी को भी फीडबैक दे रहे हो रिलेटेड टू एनीथिंग, हमेशा पॉजिटिविटी से लेकर टेक्निकल एरर्स जो हैं उस तरह समझाइए। इससे क्या होता है, लोगों को सुनने में खराब नहीं लगता है और उन्हें एग्जैक्टली पता चलता है कि उन्हें किन चीजों पे काम करना है, ताकि अगर आप फर्दर वो उस चीज को दोबारा करें या फिर उस वर्क को दोबारा करने की कोशिश करें तो वो उन फैक्टर्स पे ध्यान दे सके। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे कल। What is your greatest failure and what did you learn from it? यहाँ पर ये question आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। Even if you are a fresher, even if you have worked in as an intern in any organization, even if you have worked as an employee in any organization,
तीनों के लिए किसी भी स्टेटस में आप है वहां पर अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, तीनों स्टेटस में ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देर इज अ 99% चांस दैट बिहेवियरल क्वेश्चन अगर पूछने का टाइम है इंटरव्यूअर को तो वो ये क्वेश्चन जरूर करेगा कि आपका बिगेस्ट फेलियर क्या है, ठीक है, और उससे आपने क्या सीखा। यानी कि हो सकता है कोई आपने गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपको बहुत एक बड़ा भुगतान देना पड़ा, ठीक है, आपको कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे बड़ा अभी तक का आपकी जितने भी लाइफ टाइम है, अभी तक का जितना भी आपका लाइफ टाइम है उसमें जो भी आपने फेलियर फेस किए हैं उन सभी फेलियर को कंपेयर करके सबसे ज्यादा फेलियर आपने जहां देखा है, ठीक है, सबसे बड़ा फेलियर जो है आपकी लाइफ का उसे ध्यान में रखकर ये फॉर्मुलेट करना है इसका आंसर, ठीक है। कैन एनीवन शेयर देयर बिगेस्ट फेलियर? कोई यहाँ पर है जो अपना बिगेस्ट फेलियर शेयर करना चाहता है? ठीक है, इवन इफ यू डोंट वांट टू शेयर दैट इज ऑल राइट, एब्सोल्युटली ऑल राइट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका बिगेस्ट फेलियर क्या है, ठीक है। मुझे बताओ ना बताओ या क्लासमेट को बताओ ना बताओ, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या है। अंडरस्टूड? आपको पता रहेगा देन यू कैन मूव ऑन एंड यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड बाय नॉट रिपीटिंग दैट मिस्टेक। बाय नॉट रिपीटिंग दैट मिस्टेक यू विल नॉट रिपीट दैट फेलियर अगेन, ठीक है। तो आपको पता होना जरूरी है कि आपने अपनी लाइफ में क्या चीज है जो सबसे बड़ा नुकसान किया है आपको, ठीक है। थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, इसका आंसर क्या आप, क्योंकि ये आंसर आप कर सकते हैं, ये चीज जो है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ये फ्रेशर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसके ऊपर सोचिए कि क्या आपका ग्रेटेस्ट फेलियर है। मुझे आंसर नहीं बताएंगे दैट इज ऑल राइट, लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। फॉर्मुलेट एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योरसेल्फ, ठीक है। आपका जो भी ग्रेटेस्ट फेलियर है आपके लाइफ का, जो सबसे ग्रेटेस्ट फेलियर है उसके बारे में लिखिए, और उससे आपने क्या सीखा और क्या उस चीज को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया ताकि आप दोबारा उस फेलियर को या दोबारा उस मिस्टेक को रिपीट ना करें, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। ओके, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, आप लोग जब भी यहाँ पर अगेन जब आप क्लासेस करेंगे, नेक्स्ट क्लास अगर आप अटेंड करेंगे तो वहां पर आप जितने भी क्वेश्चन अभी किए हैं, ठीक है, पहली बात तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए हैं उनके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो क्वेश्चन विजिबल हैं आपके स्क्रीन पर उनके आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये डाटा रहे, ठीक है, और इसके ऊपर आप रिसर्च कर सके खुद के ऊपर, ठीक है, अपनी लाइफ के ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सारे आप वर्क एक्सपीरियंस से ही आंसर कर सकते हैं, तो अपने फर्दर फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो क्वेश्चन विजिबल हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे। Are you done with the screenshot? Okay, so that's all for today's class. Okay, let's meet for the next class tomorrow. Okay.